हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिर्फ दो चीज़ें हैं, ये समझने के बाद आपको पूरे चैप्टर में कोई भी इश्यू कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, इनके बीच का अगर डिफरेंस है वो सेम रहेगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट, देन That sequence is called arithmetic progression। अभी यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और so on, ऐसे हमने एक sequence लिया है। अभी यहाँ पे 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 is 6, 6 plus 2 is 8, 8 plus 2 is 10, 12, 14। तो ऐसी जो sequence रहती है जहाँ उसे हम लोग बोलते हैं arithmetic progression। अभी यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि terms को, हर terms को एक number रहता है। अभी इसे हम लोग बोलते हैं T1, that is term number 1, T2, that is term number 2, T3, T4 and so on। तो अगर infinite number रहेंगे यहाँ पे तो हम लोग लिखते हैं Tn, the term number, जो भी रहेगा उसका number 100 रहेगा, 102 रहेगा, 1000 रहेगा। तो term number arithmetic progression में हर term को number रहता है, ये हमें ध्यान में रखना है। So T1, T2, T3, T4 इन्फिनाइट नंबर्स रहते आगे। अभी फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा लिखते हैं T1 इज A। तो फर्स्ट टर्म लिखने के लिए, किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म लिखने के लिए हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म इज A, सो A इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं T1 2। तो बहुत इजी है फर्स्ट टर्म निकालना, कि जो पहला टर्म है उसे हम लोग A कहते हैं और A इज इक्वल टू T1, so T1 is equal to 2। अभी D is the common difference, that is always constant, AP में common difference constant रहता है। तो D निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, T2 minus T1 या T3 minus T2 या T4 minus T3 ऐसा subtraction करके हम लोग D की value निकालते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे D is equal to T2 minus T1 is equal to 4 minus 2 is 2। तो कॉमन डिफरेंस यहां पे आएगा 2, फर्स्ट टर्म यहां पे आएगा A। हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि क्योंकि Tn और Sn ऐसे दो फॉर्मूलाज है हमारे पास, सिर्फ दो फॉर्मूलाज के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये दो फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है, Tn ये हमें देखना है। तो Tn इज टर्म नंबर, अगर ये 2, 4, 6, 8 हमें दिया है, हमें टर्म नंबर निकालना है। आपको पूछा कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, आपको पूछा कि टर्म नंबर 80 इसमें क्या रहेगा, तो निकालने के लिए बहुत हार्ड होता है। ऐसा ही हम लोग आगे जाएंगे तो टर्म नंबर हमें 80 में जाएगा, लेकिन बाय फॉर्मूला बहुत ही इजीली हम लोग टर्म नंबर निकाल सकते हैं। अगर हमें टर्म नंबर 80 निकालना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 80 लिखेंगे, दैट इज टर्म इज इक्वल टू, ए की वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस एन माइनस 1। अभी 80 माइनस 1 कितना हुआ, 79। डी कॉमन डिफरेंस क्या है, 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें टर्म नंबर 80 एपी में, 80 नंबर में कौन सा टर्म रहेगा, इसको 2 प्लस 158 इज इक्वल टू 160। तो यहां पे 80 नंबर पे 160 आएगा इस सीक्वेंस में। ये हम लोग बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं सिर्फ Tn का फॉर्मूला यूज करके। तो जब भी हमें टर्म नंबर निकालना होता है तो हम लोग सिंपली a, n और d की वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अभी Tn के लिए ये फॉर्मूला था, अभी Sn हमें ध्यान में रखना है, Tn इज टर्म नंबर, Tn इज टर्म नंबर एंड Sn इज सम ऑफ नंबर्स, Sn इज सम ऑफ नंबर्स, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 अगर हमें निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालते। अभी सम ऑफ Sn मतलब क्या है, तो अगर n इज इक्वल टू, हमने कुछ नंबर लिया n इज इक्वल टू 6 लिया, तो हमें क्या करना है,
T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, क्योंकि फर्स्ट सिक्स नंबर्स का एडिशन हमें करना है, दैट इज Sn, फर्स्ट सिक्स नंबर का एडिशन करना है। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं कि फर्स्ट सिक्स नंबर का एडिशन क्या होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, Sn, तो n इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू n अपॉन 2, दैट इज 6 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 2 प्लस n माइनस 1, दैट इज 6 माइनस 1 इज 5 इंटू d, दैट इज 2। तो ये सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6, दैट इज एडिशन ऑफ फर्स्ट सिक्स नंबर्स ऑफ दिस सीक्वेंस और ऑफ दिस AP। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 इन ब्रैकेट 4 प्लस 10, नाउ 4 प्लस 10 इज 14 इंटू 3, दैट इज 42। सो सम ऑफ फर्स्ट सिक्स नंबर्स इज 42। तो हमें सिर्फ Tn और Sn के दो फॉर्मूलाज है, Tn एंड Sn, इतना ही याद रखना है। दो फॉर्मूला के ऊपर पूरा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमें समझना यही है कि फर्स्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलता है, तो 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, इतना इजी रहता है AP। तो बस आपको T1, T2 जो टर्म नंबर रहता है वो समझना है। फर्स्ट टर्म इज A, कॉमन डिफरेंस इज D, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D एंड Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इतना ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे चैप्टर में आपका सिलेबस है। इतना आपको अगर समझ में आया तो आप सभी सम इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सेट एंड वर्ड प्रॉब्लम सभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसका जो सॉल्व सम्स है वो भी मैं अगले वीडियो में डालूंगा, लेकिन ये वीडियो आपको बार बार देखना है, समझने तक देखना है, पूरा समझ लेना है, सिर्फ दो फॉर्मूलाज यूज करना है, इतना हमें ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।